गाइस, डेटा कंप्रेशन के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप डेटा कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, इट्स मीन हाईली कंप्रेस फाइल कैसे बना सकते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। आपको मैं 5 GB की फाइल 16 MB में कन्वर्ट करके दिखाऊँगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हाय गाइज, दिस इज शिवांश एंड यू वाचिंग टेक्निकल ट्रिक। सो गाइज, इस वीडियो में कोई बकवास करने वाला नहीं हूँ कि डेटा 01 फॉर्म में रहता है, इसे कैसे कंप्रेस होता है। सो गाइज, आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे डेटा कंप्रेस कर सकते हैं। पर उससे पहले बात करते हैं कमेंट ऑफ द प्रीवियस वीडियोज की। सो गाइज, प्रीवियस वीडियोज में मुझे 2 कमेंट मिल रहे थे मोस्टली यूजर द्वारा। सबसे पहला कमेंट है बटन का कि डाउनलोडिंग बटन लॉक कैसे करें, इसे फिक्स कर दीजिए, डाउनलोड नहीं हो रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा नोवा लॉन्चर का, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप जाइए पर्टिकुलर इस वीडियो पे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, डेटा कंप्रेशन पे। सो गाइस, डेटा कंप्रेशन करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपको विनरार या कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लेना है जिससे कंप्रेस करना है। सो गाइस, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंप्रेस करेंगे। सो गाइस, मेरे PC में ये फाइल पड़ी हुई है, क्रिएट 3 गेम, ये लगभग 5 GB का है, आप देख लीजिए। जब मैं इसे डेटा कंप्रेस करने के लिए RAR से कंप्रेस करता हूँ, तो गाइज इसमें देखिए, मैं नॉर्मल पे ही कंप्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नॉर्मल, और नॉर्मल पे क्रिएट सॉलिड आर्काइव, उसके बाद ओके। सो गाइज देखिए, मैं इसे 10x फास्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत टेकिंग लेगा ये। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको समझाना चाहूँगा इसे कि कैसे ये काम करता है और इसमें क्या ट्रिक है कि जो आप डेटा को कंप्रेस कर पाएंगे इतनी जल्दी। सो गाइज, ये एक हाईली कंप्रेस फाइल बन चुकी है। मैं दोनों की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आपको आपके सामने कि हाँ ये दोनों प्रॉपर्टी कितनी है और कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये देखिए 16 MB की है और ये जो मेरी फाइल थी ये 5 GB की थी। तो मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस। और इसके पीछे कोई फंडा नहीं है, बस वही जो कुछ फाइलें हैं जो कंप्रेस हो जाती हैं और कुछ फाइलें हैं जो कंप्रेस नहीं होती। कंप्रेस क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें सेम बिट्स नहीं रहते, सेम डेटा नहीं रहता। अगर जिस फाइल में सेम डेटा रहेगा वही कंप्रेस होगी। सो गाइज, मेन फंडा यही है कि इसमें सेम विड्थ नहीं रहती। और गाइज, कोई ये डिसाइड नहीं करके बता सकता कि कौन सी फाइल डेटा कंप्रेशन के लिए बेस्ट रहेगी। गाइज, जब आप कंप्रेस करेंगे तो आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी फाइल कंप्रेस हो जाएगी। मोस्टली गेम जो रहते हैं वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। अदर फाइल जैसे वीडियो ऑडियो फाइल हुई तो ये भी कंप्रेस होती है, पर उतना नहीं कंप्रेस होती। एग्जांपल के लिए आज मैंने जो नोवा लॉन्चर का कंप्रेस किया था वो लगभग 16 MB टोटल ऐप था, लेकिन 7 MB या 6 MB में हो गया है और मैंने उसे अपलोड भी कर दिया। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक हिट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।